दोस्तों, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले कुछ अल्प ज्ञानी लोगों से सुन रखा था कि मधुमक्खी केवल उस इंसान को काटती है जो उन्हें तंग करता है और उनके छत्ते पे पत्थर मारता है। बालमन होने के कारण मुझे इस तथ्य पर पूर्णतः यकीन था, जिसका खामियाजा मुझे एक दिन भुगतना पड़ा। हुआ यूं कि एक दिन जब मैं विद्यालय से छुट्टी होने के बाद घर लौट रहा था तो पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर मेरे एक सहपाठी ने पत्थर दे मारा और वो वहां से तुरंत भाग निकला। अब मुझे लगा कि मैं तो निर्दोष हूं, इसलिए मुझे भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। गुस्साई मक्खियां निश्चित तौर पर मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगी, लेकिन अफसोस, मैं अपनी निर्दोषता उन मक्खियों को साबित नहीं कर पाया और कई सारी मक्खियों ने मुझे बुरी तरह से काट खाया। तो सबसे पहले मेरी आपको यही सलाह है कि अपने बच्चों को इस तरह की उल्टी सीधी अवैज्ञानिक सीखें ना दें। उनका बालमन इन सीखों को गंभीरता से ले लेता है। मधुमक्खी बेहद गुस्सेल और सीमित बुद्धि का जीव है। उसे नहीं पता कि कौन उनका भला चाहता है और कौन बुरा। दोस्तों, मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है। हमारे भारत में गांव खेतों से लेकर शहर के पार्कों और पुरानी इमारतों तक में कहीं भी इनका वास हो सकता है। मधुमक्खी जैसा ही एक और जीव यानी येलो जैकेट मक्खी, जिसे हिंदी में बिरर, बर या ततैया कहा जाता है, ये भी इंसानों को अपने दंश से रुला देता है। लेकिन येलो जैकेट मक्खी काफी छोटे समूह में रहती है, इसलिए इन्हें कम घातक कहा जा सकता है। वहीं इसके उलट मधुमक्खी एक साथ लाखों की संख्या में रहती है और मिलकर हमला भी करती है, इसलिए ये बेहद ही ज्यादा घातक और कई बार तो जानलेवा भी साबित होती है। जी हाँ, अगर किसी इंसान को एक साथ 500 से ज्यादा की संख्या में मधुमक्खी काट ले तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। वहीं कुछ इंसान मधुमक्खी के जहर के प्रति एलर्जिक भी होते हैं। ऐसे लोगों को अगर महज 2-4 मधुमक्खियां भी काट ले तो उनकी जान के लाले पड़ सकते हैं। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि कभी आपके ऊपर मधुमक्खी हमला कर दे तो आप खुद के बचाव के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। बचाव में है समझदारी। दोस्तों, कई बार आपने शायद देखा हो कि मधुमक्खियों का कोई झुंड हवा में कोई 25 से 40 फीट की ऊंचाई पर उड़कर जा रहा होता है। अमूमन उन मधुमक्खियों का आपको काटने का कोई इरादा नहीं होता, बस वो अपने लिए छत्ता बनाने की नई जगह तलाश रही होती है। लेकिन लगातार उड़ते रहने की थकावट से परेशान वे मक्खियाँ काफी गुस्से में रहती है और जैसे ही वो किसी भी चलती फिरती वस्तु से खतरा महसूस करती है तो हमला कर बैठती हैं। इसलिए कभी भी आपके ऊपर से मधुमक्खियों का कोई इस तरह का झुंड गुजरे तो आप तुरंत जमीन पर छाती के बल लेट जाएं और कोई प्रतिक्रिया ना करें। मधुमक्खियां कुछ ही सेकंडों में आगे की ओर निकल जाएंगी, इसलिए इन कुछ सेकंडों के दौरान आप अपनी सांस को भी रोक कर रखें। सांस लेने से हुई आपके शरीर की हलचल को ये मक्खियां कई मीटर दूर से भांप सकती हैं और बिना वजह ही आप पर हमला कर सकती हैं। चेतावनी को समझें। मधुमक्खियों को अपना डंक बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि किसी भी जीव को काटने के बाद मधुमक्खियों का डंक उनके खुद के शरीर से उखड़ जाता है, जिससे मधुमक्खी मारी जाती है। इसलिए ये मक्खियाँ काटने से पहले आमतौर पर चेतावनी जरूर देती हैं। चेतावनी देने के लिए एक या दो मक्खी छत्ते से बाहर आती है और आपके इर्द गिर्द भिनभिनाती हुई मंडराने लगती है। अगर ऐसा हो तो आपको तुरंत उस जगह से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द मंडराती ये मक्खियाँ छत्ते में वापस जाकर सैनिक मक्खियों से आपकी शिकायत करेंगी और सैनिक मक्खियाँ बिना कोई पल गंवाए तुरंत आप पर हमला कर देंगी। इसलिए अगली बार कहीं कोई मधुमक्खी आपके चारों ओर भी भी की आवाज निकालती हुई दिखे तो ना उस मक्खी को खुद से दूर भगाएं और ना ही वहां खड़े रहें, बल्कि तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाएं। अगर मधुमक्खी काटने लगे तो दोस्तों, मधुमक्खी बेहद छोटा सा जीव है, लेकिन यकीन मानिए इस जीव का सामना शेर जैसा खूंखार और हाथी जैसा विशाल जानवर भी नहीं कर सकता। तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? अगर गुस्साई मधुमक्खी आपको काटने लगे तो खुद के बचाव का आपके पास एक ही तरीका है, भागो। जितना तेज भाग सकते हो भागो। आमतौर पर देखा गया है कि मधुमक्खी बहुत लंबी दूरी तक अपने शिकार का पीछा नहीं करती। अपने छत्ते से ज्यादा 250 से 300 मीटर दूर तक जाकर ये आक्रामक मक्खियां वापस लौट आती हैं। इसलिए ये दूरी आपको जितनी जल्दी हो सके पूरी करनी है। बिल्कुल सीधी रेखा में दौड़िए।
अपने चेहरे को भागते हुए तस्वीर में दिखाए गए तरीके के अनुसार अपनी कमीज में छुपा लीजिए। दौड़ने के दौरान कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथों को ना हिलाएं, क्योंकि मक्खी सिर्फ हिलती डुलती चीजों को ही देख समझ पाती है। अगर आपके हाथ में कोई थैला या अन्य वस्तु है तो उसे हवा में लहराकर दूर फेंक दीजिए। इससे अधिकांश मक्खियां आपका पीछा छोड़कर आपके द्वारा फेंके गए थैले की ओर लपक लेंगी। कहाँ छुप सकते हैं? दोस्तों, दौड़ते हुए जो भी आश्रय आपके नजदीक हो उसी में घुस जाएं। फिर चाहे कोई गाड़ी हो या फिर खेतों या पार्कों में ट्यूबवेल के लिए बना कोई कमरा या आपके किसी पड़ोसी का घर, अंदर घुसते ही दरवाजा तुरंत बंद कर लें। हो सकता है कि कुछ मक्खियां भी आपके साथ अंदर घुस जाएं, इसलिए अगर अंदर लाइट जल रही हो तो लाइट को बंद कर दें, क्योंकि अंधेरे में मक्खियों की नज़र बहुत कमजोर होती है, जिस वजह से मक्खियां कमरे में मौजूद किसी खिड़की से आती हुई रोशनी की तरफ चली जाएंगी। साथ ही आप तुरंत किसी रजाई या कंबल में दुबक जाएं ताकि मधुमक्खियों से आपका बचाव हो सके। अगर दौड़ते हुए आपको कोई आश्रय ना दिखे लेकिन आपको कहीं कीचड़ से भरा हुआ पानी दिखे तो आप वहां भी शरण ले सकते हैं। कीचड़ में लेट जाएं और अपने शरीर के हर हिस्से पर कीचड़ लपेट लें, इससे मक्खियां आपको नहीं काट पाएंगी। अगर मधुमक्खी काट ले तो? दोस्तों, अगर मक्खियां आपको काट लें तो सबसे पहले ये जांच करें कि आपको कितनी जगह काटा गया है। अच्छी बात यह है कि एक स्वस्थ इंसान जो मधुमक्खी के जहर के प्रति एलर्जिक नहीं है सैकड़ों मक्खियों का दंश झेल सकता है, इसलिए घबराए बिल्कुल नहीं। जितनी जल्दी हो सके शरीर में धंसे मक्खियों के कांटों को सावधानी से निकाल डालें, क्योंकि ये कांटे लगातार आपके शरीर में जहर छोड़ते रहते हैं। इसके बाद आप दंश वाली जगहों पर बर्फ लगाकर दर्द को कम कर सकते हैं। किसी रुई को डीजल या मिट्टी के तेल में डुबोकर दंश वाली जगह पर लगाने से दर्द से तुरंत राहत मिलती है। इस उपाय को करने से सूजन भी कम आती है। साथ ही शहद, अचार, सिरका, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट लगाने से भी दंश और सूजन से राहत मिलती है। कुछ लोग लोहा रगड़ने की भी सलाह देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लोहे की रगड़ से आपका जख्म बढ़ सकता है। ये सब उपाय आजमाने के बाद भी अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, शरीर पर लाली या रैशेस हो, या फिर त्वचा में अत्यधिक सूजन या बेहद तीव्र खुजली जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। आमतौर पर एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाने से आपको राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कभी जीवन में अगर मधुमक्खियों से सामना हो तो वीडियो में बताए तरीकों को जरूर आजमाना। इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। ऐसी ही और भी रोचक वीडियो देखने के लिए नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन भी दबा डालें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।